अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आप दोस्तों के लिए सोलर सिस्टम की एक और वीडियो लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हमने एक सोलर सिस्टम लगाया है। ये 4.2 किलोवाट का फ्रोनस कंपनी का इन्वर्टर है। PV5000 इसका मॉडल नेम है। बहुत ही खूबसूरत इन्वर्टर है और आजकल इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। अभी ये मिल भी नहीं रहा, इसके रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये इस तरफ इसका स्टिकर है कंपनी ने, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके साथ आपने कितने हज़ार वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं और कितने वोल्टेज तक आप लगा सकते हैं और आउट पर कितना लोड ले सकते हैं, ये भी सारा इस पर कंपनी ने दिया हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, ये सोलर पैनल सिस्टम जो हमने इंस्टॉल किया है, इसके साथ हमने ऊपर किस तरह से सोलर पैनल लगाए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। जी प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम सोलर पैनल फिट कर रहे हैं। ये हमने जिस्ती पाइप का फ्रेम बनाया है और जिस्ती ही सी चैनल इस्तेमाल किए। आप देख सकते हैं कि ये पैनल हमने थोड़े ऊपर उठाकर लगाए हैं, क्योंकि ये सामने एक पर्दा था जिसका साया इस पर आता था, और इसीलिए हमने ये जो है इस तरह का स्टैंड बनाया है ताकि इस पर किसी किस्म का भी साया ना पड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इससे जनरेशन मिले। तो पेंट करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फ्रेम बन गया है। ये चार सोलर पैनल लॉन्जी कंपनी के लगे हैं इस साइड पर, और दूसरी साइड पर चार सोलर पैनल एपेक्स के लगे हैं। ये टोटल आठ सोलर पैनल का फ्रेम है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से और मज़बूती के साथ हमने ये फ्रेम बनाकर सोलर पैनल लगा दिए। तो ये सोलर पैनल जो है, इन्होंने हमें क्या रिज़ल्ट दिया है, और नीचे जाकर भी मैं आप दोस्तों को सोलर इन्वर्टर पर इसका भी लोड टेस्टिंग दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं जी, हमने इसमें स्पोर्टें भी लगाई हैं, और ये आप देख रहे हैं सामने से सोलर पैनल इस तरह से लग रहे हैं। दूर से सामने से हमने ये वीडियो बनाई है। तो अब नीचे चलते हैं और आपको सोलर इन्वर्टर किस तरीके से इंस्टॉल किया और उस पर लोड भी चेक कराते हैं। जी प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने ये मुकम्मल कर दिया है सेटअप, सारा इन्वर्टर भी इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं आप दोस्तों को इसकी ऊपर दिखाता हूँ कि कितना लोड हमने इस पर डाला है और पीवी से कितना आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस पर हमने अब जो है ना लोड वो डालना शुरू कर दिया है। जो तकरीबन 2200 वाट लोड इससे चल रहा है, और पीवी जो है वो 345 वोल्ट है और 2200 वाट लोड इस पर आ रहा है। अभी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि आपने अभी देखेंगे कि ऊपर से कितने वाट आ रहे हैं पीवी से। 7 एम्पेयर आ रहे हैं और 2400 वाट जो है ना वो हमें ये पीवी से दे रहा है। 2200 वाट का लोड चल रहा है, 2400 वाट सोलर से आ रहा है। 4 एम्पेयर पर बैटरी भी चार्ज हो रही है, और ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दिया इसने हमें। अभी 2200 वाट लोड इस पर डाला है, लोड अगर बढ़ाएंगे हम इस पर तो फिर ये हमें और ज़्यादा भी मिल सकता है। जी प्यारे दोस्तों, अब हमने इस पर मज़ीद लोड बढ़ाया है। चेक करते हैं कि अब हमें मैक्सिमम पीवी से 8 एम्पेयर, आप देख सकते हैं कि पीवी से हमें 8 एम्पेयर मिल रहे हैं, और ये 2500 वाट हमें लोड, 2600 वाट जो है ना वो ऊपर से मिल रहा है सोलर पैनल से, और 2.6 यानी कि 2600 वाट ही हमारा लोड चल रहा है, और 2800 वाट तक आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल हमें दे रहे हैं। तो अभी सेटिंग भी दिखाता हूँ कि हमने अब इसकी सेटिंग क्या रखी हुई है। तो मैं मेन्यू प्रेस करता हूँ, 1 पर हमने NKS रखी है, यानी कि ये बावड़ा सारा दिन ना ले, सारा दिन सोलर पर ही चले और बैटरियाँ भी चार्ज करें। और 2 पर हमने 30 एम्पेयर इसकी जो है सोलर से चार्जिंग रखी है। 3 पर APL है, यानी कि अप्लाइंस मोड है, ये बैटरी की सेटिंग यूज़ पर रखकर हमने की है 5 वाली सेटिंग। और ये 6 और 7 वाली जो सेटिंग है ये इसकी टेम्परेचर की होती है। 9 पर फ्रीक्वेंसी, और 10 वाली सेटिंग पर 230 वोल्ट आउट के होते हैं। और ये यूटिलिटी यानी कि बावड़ा से चार्जिंग जो है वो 30 एम्पेयर रखी है ये 11 वाली ऑप्शन पर।
और इससे आगे ये 12 वाली ऑप्शन पर आप देख सकते हैं, 24 वोल्ट, जब हमारी बैटरियाँ 24 वोल्ट पर आ जाएंगी तो फिर ये ऑटोमेटिकली वापडा उठा लेगा। और ये 13 पर बैटरी 29 वोल्ट पर फुल होंगी, ठीक है। इसकी बैटरी थोड़ी सी पुरानी है तो इसलिए हमने इसकी थोड़ी सी चार्जिंग बढ़ाई है ताकि ये फुल चार्ज हो सके 29 पर। आगे ये 16 नंबर की सेटिंग है, यानी कि आप 0-50 भी बोल सकते हैं, और ओएस यानी कि ओनली सोलर है ये, इससे सिर्फ सोलर पर ही चार्ज करेगा अगर ये सेटिंग आप रखेंगे। अगर आपने वापडा जी प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये सारा सेटअप कंप्लीट, प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर किसी दोस्त ने इस तरह का सिस्टम हमसे लगवाना है तो वो हमसे रابطہ कर सकता है। स्क्रीन पर ऊपर हमारा नंबर आ रहा है तो हम उस दोस्त को लगा कर भी देंगे, और उस किसी चीज़ के मतलब किसी ने पूछना है तो वो भी हमसे पूछ सकता है, हम उसको ज़रूर बताएंगे। ओके, अल्लाह।